तालझारी के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को जिला पुलिस कप्तान के आदेश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, एएसआई धर्मेंद्र कुमार और राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में तीन पहाड़ बाजार में चेकिंग किया जा रहा था। तभी स्टेशन की ओर से आ रहे एक व्यक्ति पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से अलग अलग कंपनियों के कुल 60 स्मार्टफोन बरामद हुए। वहीं जब उससे कागजात मांगे गए तो कोई भी कागजात नहीं दिया। साथ ही पूछताछ में उसने बताया कि सारा मोबाइल चोरी का है। इसके बाद फोन जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजमहल अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर तीन पहाड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के अलावा इस कांड में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उसके विरुद्ध छापेमारी की जाएगी। जब्त किए गए कुल मोबाइल की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए है। गिरफ्तार व्यक्ति बाबूपुर गाँव का रहने वाला है। थाना प्रभारी तीन पहाड़ द्वारा एंटी चेकिंग क्राइम की जा रही थी, तो इसी दरमियान तीन पहाड़ बाजार से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया। पुलिस बल को देखकर इसे पुलिस बल के सहयोग से इनके द्वारा पकड़ा गया और जब तलाशी ली गई इनकी बैग की तो इसमें 60 स्मार्टफोन बरामद हुए। कोई कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि चोरी का मोबाइल है। सारा मोबाइल जहाँ से क्रम में पाया जा रहा कि चोरी का है, और एक गिरोह है जिस गिरोह के द्वारा इस घटना का अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है और इस कांड में और जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। अमित चौधरी, न्यूज लाइव, तालझारी।